ओला कंपनी के आने वाले स्कूटर रिवर्स यानी कि पीछे की डायरेक्शन में भी चलते हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले ये इलेक्ट्रिकल स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मोबाइल में जैसे फास्ट चार्जर आते हैं, उसी तरीके से इसका एक फास्ट चार्जर आता है जिससे ये 18 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाएगा और 75 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, जबकि ओला के स्कूटर को फुल चार्ज होने में 2.5 घंटे का समय लगेगा। दुनिया की सबसे ज्यादा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी का नाम है हीरो होंडा, और हीरो होंडा दुनिया में सबसे ज्यादा टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कर रहा है पिछले 18 सालों से। ओला अपने टू व्हीलर्स को लेके बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। उन्होंने अपने स्कूटर को 10 डिफरेंट कलर में लॉन्च किया है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल मार्केट बनके उभर रहा है, तो ऐसे में क्या ओला के टू व्हीलर आने वाले समय में हीरो होंडा को टक्कर दे पाएंगे? वैसे आपके हिसाब से एक इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर कितने का होना चाहिए और एक बार फुल चार्ज करने पर कितने किलोमीटर तक चलना चाहिए? कमेंट जरूर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए।